हेलो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में आपको दोस्तों 1 लाख कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। तो जिनके पास दोस्तों 1 लाख कैपिटल नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि देखो नॉलेज लेना जरूरी है। नॉलेज आपके पास आ जाएगा तो 1 लाख कैपिटल जब आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे तब आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉफिट बना सकते हो। अब दोस्तों देखो कि 1 लाख रुपीज की जरूरत क्यों इस स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि दोस्तों देखो अभी तक आपने क्या कर रहे थे कि आप दोस्तों ऑप्शन बाइंग पे ध्यान दे रहे थे, ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, और अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बताने वाला। और ऑप्शन सेलिंग के लिए दोस्तों क्या होता है कि मार्जिन रिक्वायर्ड होती है, एकदम हाईली मार्जिन रिक्वायर्ड होती है 1 से 1.5 लाख रुपए की। अगर आप एक लॉट भी छोटे-छोटे मतलब कि छोटा शेयर भी खरीदते हो ना तो भी। तो अभी दोस्तों देखो कि ऑप्शन सेलिंग में पहले ये बता देता हूं जिनको नहीं मालूम है ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, तो फटाफट बता देता हूं। देखो ऑप्शन बाइंग में आप क्या करते थे कि बाइंग में दोस्तों देखो कॉल की साइड रहता था लेना और पुट की साइड लेना रहता था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है तो आप कॉल लोगे, ठीक है। अपसाइड अगर जाने वाला है तो कॉल लोगे, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट लोगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपने कॉल लिया मार्केट ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर लेकिन अगेंस्ट में गया तो आपको लॉस होगा। और यही पी में होता था, अगर दोस्तों मार्केट नीचे की साइड गया तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका जो है लॉस होगा। अब दोस्तों देखो कि सेलिंग में क्या है, दोस्तों सेलिंग में जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको यहाँ पे पीई लेना है। मतलब इसमें क्या है ना, आपने जो प्रीमियम लिया है ना वो कम होना चाहिए। जैसे कि बाइंग में क्या होता है, प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसमें आपका प्रीमियम कम होना चाहिए। आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको कॉल खरीदना है, ठीक है। यहाँ से कॉल की साइड आपको जाना है, मतलब कि अगर आपने पुट यहाँ पे मतलब बाई किया है, मतलब पुट को सेल किया है, सॉरी आपने यहाँ पे पुट सेलिंग की है, मतलब कोई समझ लो कि 50 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे आपने जो है पुट साइड वाले को सेल किया है और मार्केट ऊपर की साइड जाने लग गया, अपसाइड डायरेक्शन में जाने लगे, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अपसाइड में जाएगा तो आपने जो पुट खरीदा होगा ना वो उसका प्रीमियम धीरे धीरे घटता जाएगा, तो वो जो प्रीमियम घट रहा है ना वही आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है। अब दोस्तों देखो कि यहां पे विन रेट कितना है ऑप्शन सेलिंग का। देखो ऑप्शन बाइंग जो करते हैं ना, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका दोस्तों यहां पे विन रेट होता है 33%, जबकि दोस्तों अगर ऑप्शन सेलिंग आप करते हो, अगर जो ऑप्शन सेलर है ना उनका विन रेट होता है यहां पे 77%। तो दोस्तों यहाँ पे आप सोच के देखो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है अगर दोस्तों आप इस बेस पे ट्रेड करते हो तो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो, मतलब ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट 100% होगा, 100 से 200% होगा ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, डिसएडवांटेज ये है कि देखो ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे एडवांटेज ये मिल जाता है ना कि अगर आपका दोस्तों आपने यहाँ पे 5,000 रुपये का मतलब कि पूरा का पूरा पे किया, यहाँ पे पेमेंट किया आपने अपने लॉट का, तो आपका जो लिमिटेड ये लॉस रहेगा, ये लॉस जो है ना वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड यहाँ पे रहता है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन यहाँ पे अगर आप दोस्तों ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो ना तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लॉस जो है आपका वो अनलिमिटेड हो जाता है, लॉस अनलिमिटेड हो जाता है और जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि अगर आपने समझो 5,000 का ऑप्शन सेलिंग किया है, मतलब 5,000 का कोई भी आपका पेमेंट किया आपने, कोई भी बैंक निफ्टी का समझ लो 2-3-4 लॉट लिया जिसका 5,000 की पूरी पेमेंट आई है, तो ये अगर आप दोस्तों डालते हो उसमें ऑप्शन सेलिंग में और इसकी प्राइस अगर लगभग बढ़ने लग गई तो आपका लॉस है जो अनलिमिटेड में जाते रहेगा। मतलब जितना मतलब कि समझ लो कि अपने पुट साइड यहाँ पे जो है ट्रेड लिया है, ठीक है, सेल किया है और मार्केट पुट साइड में ही जाने लग गया, मतलब प्रीमियम बढ़ने लग गया, तो आपका यहाँ पे जो है बहुत ही तगड़ा वाला अनलिमिटेड वाला लॉस होने लगेगा। और प्रॉफिट कितना होगा, तो इसमें प्रॉफिट का चांस रहता है लिमिटेड रहता है, मतलब 5,000 रुपये जो है एक्सपायरी के दिन अगर दोस्तों ये आपका 5,000 रुपये मतलब जीरो हो गया, मतलब कि आपका जो प्रीमियम आपने खरीदा, जैसे 50 रुपये का प्रीमियम खरीदे हो आप, तो अगर वो जीरो हो गया तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये पूरा प्रॉफिट में मिल जाएगा। बाकी अगर दोस्तों आपने 50 रुपये के प्राइस पे अपने प्रीमियम खरीदा है और घट के दोस्तों तो 40 रुपये हो गया है, तो आपको 40 रुपये जो है प्रॉफिट में मिल जाएगा। बाकी अगर दोस्तों ये अगर 60 रुपये हो गया ना, ये दोस्तों अगर 60 रुपये हो गया तो आपको समझ लो कि लॉस में आप 10 रुपये दिखोगे, ठीक है, -10 रुपये आपका जो लॉस में दिखेगा। ये होता है ऑप्शन सेलिंग में, मतलब जस्ट अपोजिट होता है ऑप्शन बाइंग का। तो दोस्तों आपको उसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो, ये एक ऐसी चीज़ है ना ऑप्शन सेलिंग, जहाँ पे दोस्तों आप जो है यहाँ साइडवेज मार्केट में भी पैसे को छाप सकते हो। यहाँ पे देखो कि आपके पास तो 1 से 1.5 लाख रुपये मार्जिन तो होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। बाकी हेजिंग करके भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें मैं चाहता हूँ कि जो कैपिटल है ना वो हमारे पास होना चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा बनेगा, समझ लो कि आप इस वाली जगह पे कहीं पे भी एंट्री बनाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो खुद के एनालिसिस भी करना, टेक्निकल एनालिसिस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होते हैं,
उन सब के बेस पे आपको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये सबको सीखने के लिए प्राइस एक्शन के बेस पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेस पे ही जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के तैयार होता है। ये सब सीखने के लिए मैंने जो वीडियोस को बना दिए, मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके उसको वॉच करो। प्राइस एक्शन का बहुत ही मस्त वीडियो है, 12 से 13 मिनट का, उसको जाके वॉच करो, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखो कि यहाँ पे आपको किस तरीके से जो है ट्रेड करना था। अगर समझ लो ये पास्ट की ग्राफ को देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो इस जगह पे आपको करना क्या था, समझ लो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्री बनाई, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट ले लिया, ठीक है, पुट साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है। मार्केट नीचे आई है लेकिन मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे नीचे आई है, तो यहाँ पे देखो साइडवेज की वजह से भी ठीठा डीके होता है। आपने 50 रुपये का प्रीमियम लिया और यहाँ पे क्या है कि आपको दोस्तों समझ लो ठीठा डीके की वजह से 45 रुपये हो गया, ठीक है। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आया लेकिन फिर भी 45 रुपये हुआ ना, तो भी आपको 5 रुपये जो है यहाँ पे प्रॉफिट में जो है प्लस में मिल जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में यही होता है कि दोस्तों थीटा की वजह से आपका पैसा जो है जाता नहीं है। ऑप्शन वाई में क्या होता है, अगर मार्केट एक ही जगह पे आपने सब लोग ट्रेड ले लिया और मार्केट एक ही जगह पे कैंडलस्टिक बना रहा है, तो आपका जो प्रीमियम है तो वो धीरे धीरे कम होता रहेगा समय के साथ, तो यहाँ पे ये नहीं होता है। अब दोस्तों देखो कि इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग से कैसे पैसा बनता है। यहाँ पे दोस्तों देखो कि आपने समझ लो कि इस जगह पे ये देखो ये एक रेजिस्टेंस वाला फेज हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया, यहाँ पे सेलर्स का जो सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो हो गया ये हो गया एक सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है दोस्तों, ये वीक सपोर्ट है। अगर बड़ा सपोर्ट बनाना हो तो आपको दोस्तों क्या है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर आवर्ली टाइम फ्रेम पे ही बनता है, ठीक है। ये मैंने एक जो है काम चलाने जितना सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दोस्तों देखो कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको आपका रेजिस्टेंस से वापस से जो है ब्रेक मिला, मतलब कि रिटेस्ट होकर वापस से बैक की तरफ जो सपोर्ट की तरफ मार्केट चलने लग गया, आप यहाँ पे आपकी बाइंग रहती, मैं रफ कर देता हूँ वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे समझ लो आपने यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है, बाइंग नहीं सॉरी सेलिंग किया, आपने क्या सेलिंग किया, आपने कॉल साइड को सेल किया, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है ना, कॉल का प्रीमियम ही तो डीके होगा ना, तो मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाने वाला है, तो देखो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, बाई करोगे पुट साइड के ट्रेड को, ठीक है, पुट को आप क्या करोगे, बाई करोगे। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है और आप सेलिंग कर रहे हो, बाई पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कॉल साइड को, कॉल साइड को क्या करना है, सेल करना है, ठीक है, कि कॉल साइड को जो है सेल करना है। तो मार्केट जब नीचे की साइड आएगा, आपकी समझ लो एंट्री यहाँ पे होगी, आपने समझ लो कि 100 रुपये का प्रीमियम पे जो है एक लॉट बैंक निफ्टी का बाई किया है, तो कितना रुपया आपका लग गया, 1500 रुपये लग गए। तो आपकी जब दोस्तों यहाँ से आपने जो यहाँ पे अपने ट्रेड लिया, मतलब आपने सेल किया 100 रुपये वाले कैपिटल को, 100 रुपये वाले प्रीमियम को, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे होगा उस टाइम पे, फिर दोस्तों जब मार्केट जो है यहाँ पे नीचे की साइड जाने लग गया, आपने कॉल लिया हुआ है, मार्केट नीचे की साइड जब जाने लग गया, तो वो जो 100 रुपये धीरे धीरे 100 से हो गया वो 90 रुपये, 90 से हो गया 80 रुपये, 80 से हो गया 70 रुपये, ठीक है, ऐसे होते होते नीचे आ रहा है, ठीक है। ये प्रीमियम जो है दोस्तों यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, आपको मालूम है कि जिस दिन एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी से नीचे अगर प्राइस रहता है, मतलब कि करंट प्राइस से जो है ये जो हमारा करंट प्राइस से अगर दोस्तों नीचे की साइड रहता है, तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस भी होता है, मतलब सॉरी लॉस नहीं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि प्रीमियम जो है पूरा का पूरा घट के जो 0.05 रुपये शो होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब मार्केट नीचे की साइड आएगा और आपका कॉल साइड का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो समझ लो कि आपका ऑलमोस्ट जो वो 100 रुपये का प्रीमियम था ना, वो यहाँ तक आते आते जो 50 से 40 रुपये का हो गया होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो समझ लो कि अगर 40 रुपये का भी हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट में क्या मिला, आपको प्रॉफिट में 60 रुपये मिले हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में जो थीटा डीके डेल्टा डीके होता ही नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने 60 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट किए, तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर दोस्तों आपका यहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम जो यहाँ पे 40 रुपये हो गया, तो 60 रुपये जो बचा हुआ है, 60 × 15 करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट आएगा, तो 0 और यहाँ पे 30, फिर ये क्रॉस, फिर ये 0, फिर ये 6, ठीक है, 6 × 3 = 9, यहाँ पे दोस्तों 900 रुपये आपको दोस्तों यहाँ पे प्लस में जो है प्रॉफिट में मिल जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग का पावर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ पे थीटा डेल्टा डीके की वजह से तो प्रीमियम कम होता ही है, वहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो है मार्केट मूवमेंट में भी आपका प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों देखो आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो कॉल साइड का एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे दोस्तों देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो मार्केट आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है हैमर टाइप का कैंडल अपसाइड बना रहा है, एक मारू बोजू बना दिया है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो कि एक रिजेक्शन भी मिला है, मतलब कि अपना जो सपोर्ट लेवल था
ये जो उसका सपोर्ट लेवल है उसके पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया है। तो आप समझ, आप चाहते तो यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, अपने सेलिंग को यहाँ पे लगा सकते थे। मार्केट ऊपर जाने वाला तो आप क्या करोगे, पुट साइड की जो है यहाँ पे सेल करोगे, पुट साइड को सेल करोगे। अब समझ लो कि पुट साइड का आपने 80 रुपये का जो है यहाँ पे प्रीमियम लिया है, पुट साइड का कोई भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे एक्स वाई जेड 80 रुपये का आपने पुट साइड पे प्रीमियम लिया है, मार्केट जो है तेजी से ऊपर की साइड गया है, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे एक तो ठीटा डिकी की वजह से भी जो प्रीमियम है आपका कम होता रहेगा, दूसरी बात है कि मार्केट ऊपर की साइड कॉल की साइड जा रहा है, आपने लिया है पुट की साइड, आपने लिया पुट की साइड, नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट क्या हो रहा है ऊपर की साइड धीरे धीरे जा रहा है, तो प्रॉफिट आपको कैसे होगा, तो आपका थीटा डिके की वजह से तो हो ही रहा है, ऊपर से प्रीमियम कम थीटा डिके की वजह से हो रहा है, और दूसरी बात है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, आपने पुट साइड लिया है तो ऐसे भी आपका प्रीमियम कम होगा, तो कम जो होता है प्रीमियम वही आपको प्रॉफिट में मिलता रहेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में ये होता है। तो आपने यहाँ पे समझ लो बुक किया, समझ लो कि यहाँ पे आपका जो 80 रुपये का प्रीमियम था, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा 0-0 होने का वेट करो, पूरा 0-0 होने का वेट नहीं करना, आपका जो 80 रुपये का प्रीमियम था समझ लो कि वो हो गया है 50 रुपये, तो भी दोस्तों यहाँ पे आपको 30 रुपये जो है वो प्रॉफिट में मिल चुका है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग का पावर, 30 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट में मिल गया है। आप यहाँ पे 30 रुपये करोगे, 30 into, देखो सबसे पहले आपने 80 रुपये का खरीदा, एक लॉट पे हम सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक लॉट पे सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0 40, ठीक है, अब यहाँ पे 0 8, तो यहाँ पे 1200 रुपये जो टोटल यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब दोस्तों देखो कि इसमें से आप, मैंने कितना बोला कि 80 रुपये का आपने प्रीमियम लिया है और ये घट के हो चुका है 50 रुपये, तो मतलब कि आपका 30 रुपये जो है ये आपको जो है प्रॉफिट में मिला है। तो अभी क्या करना है, अभी दोस्तों देखो यहाँ पे मैं इंटू करके दिखा देता हूँ 30 रुपये को 15 से, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 0, ठीक है, 15 क्रॉस और यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे दोस्तों 450 रुपीज़ का जो है यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट मिला है, मतलब कि 450 रुपीज़, मतलब जो जो दोस्तों मतलब घटा है ना प्रीमियम में से, जो 80 रुपये में से घटा था, जो मतलब 50 रुपये जो हो गया था, तो मतलब 30 रुपये घटा है इसमें से, तो 30 रुपये जो आपका प्रॉफिट के तौर पे मिल गया इसमें से, कोई भी दोस्तों आपका जो थीटा डीके की वजह से इसमें से कुछ माइनस नहीं होने वाला है। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में यही पावर होती है, इसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, बाकी दोस्तों ऑप्शन बाई में क्या होता है ना 33% चांस रहता है विन का, ठीक है, विन रेट यहाँ पे 33% है। तो यहाँ पे जो रिटेलर स्मॉल रिटेलर होते हैं यहीं पे फंस जाते हैं, यहाँ पे पैसे को नहीं बना पाते। 33% कौन कमाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, FIIs, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में कमाते हैं, बाकी 66%, मतलब यहाँ पे जो अपने को अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों ऑप्शन सेलिंग पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, देखो ऑप्शन बाइंग पे भी प्रॉफिट होता है, लेकिन खुद की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा खासा एनालिसिस होना चाहिए, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस को मैंने बना रखा है, आप जाओ चाहो तो जाके आप देख सकते हो उस वीडियोस को, उससे कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऑप्शन सेलिंग में इस तरीके से पैसा बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ब्रीफ में कोई भी दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में अगर ट्रेडिंग में नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।